क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे यहाँ पे? बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देती है कि ट्रैफिक के लिए प्लान बनाना पड़ेगा यहाँ पर। उज्जैन की जो घटना हुई उस पर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल। राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, महिला बलात्कार में राजस्थान नंबर वन है, वहाँ के बारे में कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। सनातन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कि सनातन का जो बार बार मुद्दा उठता है, सनातन नाम ही सनातन है, इसका मतलब सनातन ही रहेगा। वो कोई आसमान पे देखे थूकेगा तो उसके चेहरे पर थूक आएगा। कैलाश विजयवर्गीय जी प्रचार पर निकलते हैं तो आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं उनके प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि उनसे मिले बिना नहीं रह पाते। हमारे पीछे आप देखिए कैलाश जी आए हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और शामिल होने के बाद लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं, लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इंदौर एक विधानसभा से उनको जब टिकट मिला तो उसके बाद लगातार वो अपने क्षेत्र में बने हुए हैं और क्षेत्र में लोगों से लगातार वो चर्चा भी कर रहे हैं। जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर गाने की डिमांड हो जाती है, गीत संगीत की डिमांड हो जाती है। और अभी भी आपने सुना कि छोटो सो मेरो मदन गोपाल गीत उन्होंने गाया और स्थानीय लोग लगातार उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है तमाम लोगों के बीच एक बार वापस विधानसभा में आना? बहुत अच्छा लग रहा है जी, लोगों का बहुत प्यार और स्नेह है। क्या फर्क महसूस होता है जब सेंट्रल की राजनीति से अचानक विधानसभा में आना? कोई फर्क नहीं है, तो आदत में, हम तो 6-7 बार चुनाव लड़े हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं विधानसभा में जब आप चलते हैं, लोगों से बात कर? सरकार बनेगी आप देख लीजिए अपने आंखों से जी। आपको कैसा लगेगा? लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, लगता है कि बहुत निचले लेवल पर यहाँ के सड़क बिजली पानी? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ के पार्षद बहुत सक्रिय है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सा सवाल था, एक सर्वे हुआ है टाइम्स नाउ नव भारत ने किया है, उसमें बीजेपी को कम सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, आपको क्या महसूस हो? अभी तो चुनाव शुरुआत ही नहीं हुआ है, चुनाव शुरुआत होगा तो एकदम उल्टा हो जाएगा, आप देख लेना। आज की स्थिति में आप देख रहे हैं थोड़ी सी कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत है सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी? बिल्कुल भी नहीं, एकदम मजबूत नहीं है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुखर नहीं है, बस इतनी सी बात है, इसलिए आपके पास तक वो बात नहीं पहुंच पाती। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी मुखर नहीं है जी। सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कांग्रेस बार बार सवाल खड़े कर रही है, उज्जैन की जो घटना हुई उस पर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है। क्या राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? महिला बलात्कार में राजस्थान नंबर वन है, वहाँ के बारे में कांग्रेस को दिखाई नहीं देता क्या? कह रहे हैं कि तमाम जो बड़े लोग हैं उनको जमीन पर उतरना पड़ गया, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सब छोटे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता। तो ये देखिए एक घर पर पहुंचे हैं, निवास में पहुंचे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे देख रहे हैं क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे आप देख रहे हैं? कहीं पानी की कमी है, कहीं ड्रेनेज नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं नगर निगम से संबंधित। बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देती है कि ट्रैफिक के लिए प्लान बनाना पड़ेगा यहाँ पर, वो हम करेंगे। और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी हम काम करेंगे, क्योंकि पानी है पर्याप्त पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा सा पर्याप्त नहीं है, तो उसको हम करेंगे काम। एक आइडियल विधानसभा बनाएंगे, मैं जहाँ पर भी मैं चुनाव लड़ा हूँ मैंने उसको आइडियल विधानसभा बनाया, हम इसको भी आइडियल विधानसभा बनाएंगे। सर कैसे करेंगे? आपने एक भूमि पूजन किया परसों जहाँ पर पानी की बहुत समस्या, अभी भी टैंकर आ रहे हैं, इतने लंबे समय बाद भी ऐसी समस्याएं बरकरार हैं, वो क्या वजह मानते हैं? अब देखिए ऐसा है कि परमानेंट समस्या करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, लोग टेम्परेरी कर देते हैं। मैं परमानेंट समस्या के निराकरण पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने प्रयास किया, टैंकर लगाए, टंकी लगाई, बोरिंग कर दिया, पर हम परमानेंट समस्या का निराकरण। आप जैन समाज के कार्यक्रम में आए, सनातन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कि सनातन का जो बार बार मुद्दा उठता है, सनातन नाम ही सनातन है, इसका मतलब सनातन ही रहेगा वो, और इसलिए उनके मुद्दे उठाने से या लोगों को क्रिटिसाइज करने से सनातन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आसमान पे देखे थूकेगा तो उसके चेहरे पे थूक आएगा। दिग्विजय सिंह ईवीएम पर अभी भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, ईवीएम इसका मतलब है कि वो उन्होंने हार मान ली है। तो हम
हमारा कारवां वहां पहुंचा है इंदौर की विधानसभा नंबर एक में, जहां से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन वर्तमान में उन्हीं के विधायक को यहां का जिम्मा मिला हुआ है। उन्हीं का विधायक अभी यहां से विधायक है और हम स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे हैं कि कितना विकास कार्य हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति क्या है, कांग्रेस के विधायक की स्थिति क्या है। मेरे साथ तमाम स्थानीय लोग हैं और मैं रैंडम यहां पहुंचा हूं और मुझे देखकर ये तमाम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, और ये हमसे चर्चा करने आए हैं कि ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, प्रत्याशी से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहते हैं। और सबसे पहले हम महिलाओं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। दीदी, अभी तक क्या यहां पर मुद्दे रहे हैं और वर्तमान की स्थिति क्या है विकास कार्यों की? विकास में तो हमारे यहाँ गुप्ता जी ने कराया है, अभी तक संजय शुक्ला तो अभी तक आए ही नहीं है। अच्छा। नहीं, हमारे पास तो नहीं आए, आए हैं वोट मांगने एक बार आए थे बस। अच्छा। हाँ, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस पूरे क्षेत्र? मुद्दे तो लाइट सड़क, हालांकि गुप्ता जी ने सब करा चुके हैं, पर उन्होंने 600 बोरिंग का बोला था, बोरिंग नहीं हुई यहाँ पर 600। कौन कौन है वर्तमान में विधायक? कौन है? संजय शुक्ला, उन्होंने 600 बोरिंग का बोला था, वादा किया था जनता से, पर किए नहीं। अच्छा। और अभी कैलाश विजयवर्गीय जी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है और बहुत अच्छे वोटों से वो जीतेंगे, क्योंकि जनता सब बीजेपी के मत में ही मत देंगी। अच्छा, यहाँ सब बीजेपी के लोग ही हैं ज्यादातर। क्या मानती हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या परेशानियाँ, क्या मुद्दे हैं? बस यही, महंगाई कम करें, महंगाई भी बहुत है और ये नाली देखो कितनी गंदी पड़ी कितने सालों से, कहीं उसके बनने का कोई वही नहीं है, और शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। तो जब आप मतदान करने जाते हैं तो क्या अपेक्षा के साथ जाते हैं, क्या उम्मीद रहती है आपकी आपके विधायक से कि ये आदमी जीतेगा तो मेरे लिए क्या करेगा? यही, अपना क्षेत्र का विकास करे और सफाई, और देखो कैसी नाली पड़ी है, कितने सालों से पड़ी, देखने नहीं आते, वोट मांगने आ जाते हैं और बस फिर कोई देखने भी नहीं आता यहाँ। क्या माता जी, क्या मुद्दे आप देख रहे हैं, यहाँ इतने सालों से आप रह रहे हैं, यहाँ लोकल की क्या परेशानियाँ है खासतौर? कचरा पड़ा है सर, नाली साफ नहीं हो रही, और क्या 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 अपेक्षाएं कर रहे हैं, जो को जो जीतेगा वो क्या करे आपके लिए? पानी नहीं था, सब कुछ कर रहे। महंगाई की आवाज आई यहाँ से, क्या क्या चाह रहे? अरे बहुत महंगाई है भैया, कैसे बच्चों को पालेंगे, थोड़ा महंगाई पे वो करो, कम कमीशन, और क्या। तो क्या जैसे आप राशन लेने जाते हैं या रोजमर्रा की ऐसी क्या जरूरतें हैं जिसमें आपको लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए? यही बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, राशन पानी लेने की, यही तो महंगाई है, और क्या। और राशन पानी का बोलो तो मिल कहाँ आ रहा है राशन पानी, हमारा तो है ही नहीं है वो। अच्छा। बना ही नहीं है क्या राशन कार्ड? नहीं बना क्या? नहीं बना हमारा। अच्छा, नहीं बना। तो महंगाई बनना बनाना चाहिए, जिसके जिसका नहीं बना है, कहनी सबके बनना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तमाम लोग भी यहाँ पर है, सबसे बात कर रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे आप देख रहे हैं? आपसे बात करता हूँ, क्या प्रमुख मुद्दे हैं पूरे क्षेत्र? समय तो पिछले कांग्रेस के जो भी कोई हो तो नंदबाग में स्थिति थी कि मेला बेहता था, यदि मैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाता था तो मेरे को एक बार घर से धोती में स्नान करके, डबल से मत खड़े खड़े स्नान करके फिर हनुमान जी को चढ़ाता। हमारे बीजेपी के पार्षद आए अश्विन शुक्ला जी, उनने, मैं नहीं चाहता कि इंदौर में, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि पहली बार ऐसा विकास इतनी बड़ी कॉलोनी में 5 साल में कोई विधायक नहीं कर सकता। वो प्लेस रहा संजय शुक्ला जी का, तो दुनिया के पैसे वाले हैं, वो 5 साल में सिर्फ एक बार आटा दे गए, वो यदि किसी की मृत्यु हो जाती 1.25 महीने बाद जाते हैं वो। तो संजय शुक्ला जी कोई पब्लिक बता रही कभी देखा ही नहीं, तो मैं तो बोलने से जुड़ रहा। आपने विधायक को देखा? कौन है आप जानते हो विधायक को? कोई लोग महिला बताओ, ये आपके घर कभी आए हो? कभी नहीं आए, मेला लगाते, बाकी कोई नहीं आता, नहीं कभी नहीं आते। वो चुनाव आता है जब ही आते वोट के लिए, बाकी हाथ जोड़ते, बाकी नहीं आते कुछ देखने के। गरीब इंसान है, कुछ इनको मिल रहा खाने को कि नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। मजदूर इंसान है, मजदूरी कर रहा है, खा रहा है, बच्चे पाल रहा है अपने, और क्या। कैलाश जी आते? नहीं आते, अभी नहीं आते कैलाश जी। कैलाश, अच्छा अभी तो बाहर थे, अब आएंगे? आएंगे अब। हाँ, तुम्हें क्या क्या मानते हैं कि क्या विकास सिर्फ केवल मुद्दा है और भी कुछ? विकास और हिंदुत्व हमारा मुद्दा है। अच्छा। हाँ, और विकास मेरे मानना तो ये है कि बीजेपी के अलावा इनसे तो विकास होने से रहा। हाँ, 5 साल से हम विधायक जी को देख रहे हैं,
बाकी तो काम छोड़ी दो, उन्होंने बोला था कि 600 बोरिंग कराऊंगा, तो 600 बोरिंग मेरे हिसाब से हुई भी नहीं है, और जो हुई भी है उनमें मोटर नहीं डली है, और कुछ दो चार में मेरे को जहां तक जानकारी है कि डली भी है तो जनता ने 2 से 5 हजार 6 हजार तक इकट्ठे करके उन्होंने खुद ने मोटर डलवाई है। हाँ, सनातन भी बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ बिल्कुल बराबर रहेगा। क्या है मुद्दा सनातन का, क्या सोच के वोट करेंगे? वोट हिंदू है, हम सब लोग हिंदू हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज हो, ये आज जो हम जयपुर में देख रहे हैं घटना, ये तो कांग्रेस करा सकती है। अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारे घर, हम मेरी उम्र 54 साल की है, मैं जब तक समझदार नहीं था जब तक मैंने कांग्रेस देखा, कांग्रेस ने हिंदुओं की, मैं यूपी का आदमी हूँ, मेरा जन्म है, पिताजी बताते थे कि पहले हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने वो करा है कि बच्चा अगर जवान निकल रहा है तो इंदिरा जी इनकी नसबंदी कराती थी, मुस्लिम बोलते तुम पैदा करो जितते करना, तो उन लोगों ने सिवा हिंदू का विनाश का कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, इसका प्रमाण खुद कांग्रेस ही है कि कितने, और आज भी वही होता, अभी कांग्रेस आती तो मुस्लिम लोग बहुत पावर में हो जाते, हम लोग कमजोर हो जाते। आज भी बीजेपी है लेकिन आज भी हम डर डर के मुस्लिम इलाके में जाते हैं, लेकिन हमको भय नहीं रहता क्योंकि बीजेपी शासन प्रशासन सकते। ऐसा ऐसा है क्या? बिल्कुल सनातन का मुद्दा है, बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दा है, और हमारी तरफ से बीजेपी सरकार आएगी, हमारे मुख्यमंत्री इतना बढ़िया दे रहे हैं, सब महिलाओं को बढ़ा के भी दे रहे हैं, एक से बढ़ के एक योजनाएं चला रहे हैं, इसलिए अब की बार हमारी सरकार